नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लॉयंस क्लब कुचामा सिटी के तत्वाधान में प्रांत के जीव दया कार्यक्रम के तहत बेजुबान पक्षियों हेतु शाश्वत जीव सेवा संस्थान के सौजन्य से कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा के नेतृत्व में 31 बर्ड फीडर निःशुल्क वितरित करने के साथ ही शनि मंदिर, शाकंभरी मंदिर, नली का बालाजी मंदिर व कुचामन गौशाला आदि जगहों पर लगाई भी गई। कड़ाके ठंड में बेजुबान पक्षियों के लिए की गई सेवा कार्य के लिए क्लब अध्यक्ष लॉयन श्याम सुंदर सैनी ने शाश्वत सेवा संस्थान के प्रतिनिधि लॉयन मनोहर पारिक का धन्यवाद दिया। इस सेवा संस्थान में ओम प्रकाश काबरा, लॉयन श्याम सुंदर सैनी, लॉयन सुभाष राव का व प्रकाश दादिज आदि सहभागी रहे। गच्चीपुरा पुलिस ने गत वर्ष मार्च में घर से भगाकर ले जाई गई एक नाबालिग को दस्तायब कर उसे नागौर की बाल कल्याण समिति को सौंपा था और कुछ दिनों बाद बाल कल्याण समिति नागौर ने उसे बिना साक्ष्य के ही बालिग करार देकर स्वतंत्र कर दिया। अब हाईकोर्ट में पिता द्वारा मामले को ले जाने के बाद कोर्ट ने बाल कल्याण समिति और समिति ने गच्चीपुरा पुलिस को नाबालिग को पुनः दस्तायब करने के आदेश किए हैं। जानकारी के अनुसार गच्चीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम नूंदड़ा की एक नाबालिग बालिका को मनानी निवासी नानू राम उर्फ सोहन राम पुत्र सवाई राम लोहार गत वर्ष 13 मार्च की रात को उसे घर से भगाकर ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को जुलाई में दस्तायब कर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। समिति ने जनरल अस्पताल में मेडिकल करवा कर उसकी उम्र 19 वर्ष मानकर उसको स्वतंत्र कर दिया। बालिका के पिता ने जोधपुर हाईकोर्ट में मामला ले जाकर पेश किया, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहले उसे आयु संबंधी दस्तावेज मांगे। कोर्ट ने बालिका को नाबालिग मानकर नागौर बाल कल्याण समिति और गच्चीपुरा पुलिस से बालिका को दस्तावेज कर पेश करने के आदेश देकर कहा था कि नाबालिग को 14 दिसंबर 2020 तक पेश किया जाए, लेकिन आज दिन तक पुलिस और बाल कल्याण समिति खाली हाथ है। अवेशराब से भरी हुई एक बोलेरो कैंपर को एएसपी की डीएसटी ने मंगलवार को जैल थाना इलाके में पीछा कर पकड़ा है, जिसमें भारतीय निर्मित अंग्रेजी शराब एवं बियर के साथ देशी शराब पाई गई। चालक रोल थाना इलाके के गगवाना निवासी भवनलाल पुत्र डालाराम जाट के पास कोई लाइसेंस नहीं था। वह शराब को लेकर कहां से लेकर आया था, वह कहां लेकर जा रहा था। डीएसटी ने शराब से भरा हुआ वाहन तथा चालक को गिरफ्तार कर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकर ने बताया कि तनाव से धारणा रोड से एक बोलेरो कैंपर को पीछा कर पकड़ा गया। बोलेरो कैंपर के काले कांच थे। पीछा कर बोलेरो कैंपर को रुकवाया तो उसमें 22 पेटी देशी शराब, 16 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 6 पेटी बियर भरी हुई थी। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने प्रांतीय कार्यक्रम कब की आवश्यकता हमारा प्रयास के तहत विद्युत विभाग को कुर्सियां भेंट की है। अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन सुरेश सिखवाल, लॉयन रचित नंदवाना, विमल पारी, कमल गोड ने बिजली विभाग पहुंचकर एएन नरेश कुमार नरुका को कुर्सियां सुपुर्द की। इस पर एएन नरेश कुमार ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले भी क्लब ने विद्युत कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान कर मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए थे। लॉयन राम काबरा ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम आपकी आवश्यकता हमारा प्रयास से हमें यही संदेश देता है कि जनहित से जुड़े किसी विभाग को जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करें। भीम आर्मी ने भारत एकता मिशन कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी एकता मिशन ने कुचामन सिटी से सरकारी कॉलेज बनाने की मांग की है। भीम आर्मी एकता संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि कुचामन सिटी में राजकीय सरकारी कॉलेज का निर्माण किया जाए ताकि कुचामन के गरीब किसान एवं गरीब लोगों को इधर उधर उच्च शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। संगठन ने 1 महीने के अंदर 5 फरवरी तक सरकारी कॉलेज नहीं बना तो बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर भीम आर्मी एकता संगठन के कुचामन तहसील अध्यक्ष रामनिवास जाटोलिया, नावा तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र कालावत के साथ आसपास के क्षेत्र परबसर, रसाल, चितावा, कुचामन नामक के कई लोग मौजूद रहे। कुचामन थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर स्थित शनि मंदिर के सामने एक मकान पर सोमवार देर शाम फायरिंग मामले में मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिडवाना संजय गुप्ता मंगलवार को सीओ मोटाराम, सीआई रामवीर जाखड़ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार एएसपी ने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर 24 घंटे हथियारबंद जवान भी तैनात कर दिए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जब कई जगह एंगलों से देखा है तो बाइक पर सबसे पीछे लेडी डॉन अनुराधा स्वयं नजर आने जैसा अंदेशा पुलिस को हुआ। एएसपी संजय गुप्ता ने बताया कि फायरिंग मामले में पुलिस लोगों की कॉल डिटेल भी खंगालेगी।
मकराना शहर की एक युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती के झांसे में लेकर एक युवक ने नजदीकियां बढ़ाई हैं। बाद में दो दोस्तों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवकों को पीड़ितों ने घर के गहने दे दिए थे। अभी भी उसे ब्लैकमेल करते हुए 6 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। इस बारे में पीड़िता ने मंगलवार को मकराना पुलिस थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पूर्व सोशल साइट पर उसकी दोस्ती फिरोज पुत्र यूसुफ गोरी निवासी मकराना से हुई एवं बाद में उनके फोन पर बात होने लग गई। कुछ दिन बाद युवक ने पार्थिया को एक मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे चुपके से फिरोज ने वीडियो बना लिया था। इसके बाद आरोपी फिरोज ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके रुपयों की मांग की, डर के मारे युवती ने घर में रखे सोने के जेवर आरोपी को दे दिए, जिसे उसने शहर के एक सुनार को ले जाकर बेच दिए। रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिनों बाद फिरोज ने उसे हैदर पुत्र खलील गेसावत से मिलवाया। हैदर भी युवती से बात करने लग गया। गत 6 फरवरी 2020 को आरोपी हैदर ने युवती को सदर बाजार बुलाया और बाइक पर बैठाकर गरीब नवाज कॉलोनी की गली नंबर 5 में मस्जिद के पीछे एक महिला के घर ले गया। वहां हैदर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके असली वीडियो व तस्वीरें खींच ली। इसके बाद आरोपी हैदर युवती से 6 लाख रुपए की मांग करते हुए रुपए नहीं देने पर उसकी वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। नागौर जिले के कई क्षेत्रों में संक्रामक रोग बर्ड फ्लू से विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसे लेकर वन विभाग की ओर से जनसाधारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपवन संरक्षक ज्ञानचंद ने बताया कि संक्रामक रोग बर्ड फ्लू को देखते हुए जनसाधारण तथा विशेषकर पक्षी प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने आसपास जैसे घरों, खेतों, देवालयों, जलाशयों के निकट या अन्य स्थान पर कोई भी मृत पक्षी पाए जाने पर यहां पक्षियों के बीमार होने की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग एवं पूर्व में जारी वन विभाग की तहसील पंचायत समिति के दूरभाष नंबर पर सूचित करें। इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक पशुपालक विभाग अजमेर द्वारा जारी नियंत्रण कक्ष के नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष के जिला नागौर प्रभारी अधिकारी डॉ. दिलीप गहलोत के साथ वन नियंत्रण 9680715222 नंबर, वन नियंत्रण कुचामन सिटी प्रभारी अधिकारी डॉ. भगत सिंह 9414422781 नंबर पर भी जनसाधारण इसी प्रकार सूचना दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष नागौर के दूरभाष नंबर 0158224080 पर भी सूचना दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इस प्रकार के मृत पक्षी को अपने हाथों में नहीं छुएं, बल्कि दस्ताने पहनकर छुएं। इसरो का H4N1 वायरस आंख, नाक, मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश से फैल सकता है। पक्षियों को छूते समय चश्मा, दस्ताने व मास्क का आवश्यक प्रयोग करें। मकराना ब्लॉक की जूसरी ग्राम पंचायत में उर्मल खेजड़ी संस्थान द्वारा मिशन गौरव परियोजना द्वारा संचालित अपना सेवा केंद्र मकराना नागौर के तहत प्रवासी एवं गैर प्रवासी श्रमिकों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता सरकारी योजना से जुड़ाव के लिए 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप टाटा ट्रस्ट एवं CM एफ जयपुर एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस कैंप में परिवार को पेंशन, सत्यापन, न्यू पेंशन, PM किसान योजना, इसके साथ ही कुल 240 आवेदन किए गए हैं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। कैंप में प्रोजेक्ट मैनेजर रिद्धि बनर्जी टाटा ट्रस्ट ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए श्रमिक मित्र घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं। इस तरह के कैंप लगाकर अधिक से अधिक प्रवासी एवं गरीब प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं से जुड़ाव करवाकर लाभ दिलवाया। और इस परियोजना का लक्ष्य है, ये कैंप है, एक दिन किसी गरीब वर्ग का या अन्य वर्गों को जोड़ा गया। ग्राम सेवक श्रमिक मित्र अजय कुमार चावड़िया, मनोज कुमार स्वामी, केंद्र इंचार्ज तरुण शर्मा, इमित्र संयोग, सुमित्र शर्मा आदि ग्रामीणों की उपस्थित रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर परिषद व पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नागौर जिले के 9 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होंगे, यानी 23वें दिन मतदान होगा। नागौर नगर परिषद सहित जिले के 8 नगर पालिका के क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 9 निकाय क्षेत्र में 315 वार्डो में EVM से चुनाव होंगे। कार्यक्रम के अनुसार 15 जनवरी को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, 19 जनवरी को वापस ले सकेंगे, 20 को चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे और 28 जनवरी को मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं परिणाम 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से घोषित किए जाएंगे। जिले में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भी इस बार वोट डाल सकेंगे। वहीं कई दावेदार अभी से मैदान में ताल ठोक चुके हैं।
संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर के श्यामलाल सांगावत ने मंगलवार को सेठ किशनलाल कांकरिया स्कूल में निरीक्षण किया है। संयुक्त निदेशक सांगावत यहां टीम सहित वर्ष पुराने एक गबन प्रकरण की जांच करने पहुंचे। प्रकरण में एक मृत कार्मिक सहित यहां आहरण वितरण अधिकारी प्रिंसिपल पर आरोप लगे थे। न्यायालय के आदेश के बाद संयुक्त निदेशक ने स्कूल से गबन प्रकरण में तथ्य जुटाए, साथ ही स्कूल का भी निरीक्षण किया है। नावा थाना इलाके में डीएसटी ने मंगलवार को शराब से भरे हुए एक अवैध गोदाम पर दबिश दी है, जहां से टीम ने अंग्रेजी शराब की 329 पेटियां जब्त की है। एसपी श्वेता धनकर ने बताया कि नावा थाना इलाके में अवैध रूप से शराब के गोदाम संचालन की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई है। डीएसटी प्रभारी वीडी शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मंगलवार की दोपहर राजस गांव में एक मकान पर दबिश दी, जहां तलाशी के दौरान टीम ने मकान के कमरे शराब से भरे हुए मिले। इनमें 329 पेटियां शराब की थी। उक्त शराब के बारे में जब मौके पर मौजूदा चित्तावा निवासी श्यामपुरी तथा पलसाना निवासी विजेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह से पूछा गया तो वह किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और उसके पास किसी भी तरह के दस्तावेज भी नहीं थे। खबर कुचामन सिटी से है। यहां बारिश और ओलावृष्टि से कुचामन की कृषि मंडी में रखी किसानों की फसल खराब हो गई है। आपको बता दें कि कुचामन सिटी में सोमवार को अचानक हुई बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अपने खून पसीने की मेहनत से उगाई फसल को पानी में बहता देख किसान खून के आंसू रो रहा है। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जिसकी मेहनत में तैयार फसल मंडी की प्रशासन के लापरवाही के चलते उनकी आंखों के सामने बह गई। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया और जिला अध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल ने बताया कि कुचामन में अचानक हुई बारिश ने मंडी में रखी किसानों की मेहनत को में पानी में बहा दिया है। धान मंडी में अफरा तफरी मच गई है। खुले में पड़े किसानों की फसल को ढकने का काम शुरू नहीं हुआ। मौके पर किसानों द्वारा जतन किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अपनी खुली आंखों के सामने फसल बहती देखते रहे और किसानों की इस बर्बादी का मंडी प्रशासन की लापरवाही पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए बनाए गए टिन शेड पर व्यापारियों का कब्जा होने के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सड़क पर ही रखनी पड़ती है। इस समस्या के बारे में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने पहले ही नागौर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंप कर मंडी में किसानों के लिए बने टिन शेड को खाली करवाने की मांग कर चुके थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते सोमवार को मौसम बारिश के बाद किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अगर समय रहते मंडी प्रशासन व्यापारियों द्वारा किए गए टिन शेड पर कब्जा हटवा लेते तो शायद किसानों की फसलें ऐसे पानी में ना बहती। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसानों की फसल की बर्बादी के लिए मंडी प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा सरकार किसानों को देगी या जांच का विषय कहकर किसानों के खून के आंसू रुलाएगी। ये देखने वाली बात होगी।